दोस्तों मैं जाति व्यवस्था पे भारतीय समाजशास्त्र में बहुत लिखा गया है और बहुत बहसें उसमें लगातार हो रही हैं। मैं हालांकि रजिस्टर्ड था समाजशास्त्र विभाग में 70 से 75 के दौरान दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैं जो है टॉप नीचे से करता था। मेरी जो जाति के बारे में समझ है वो कार्यकर्ता समाज और समाज की जो किताब है उससे, और लोहिया की जो कास्ट सिस्टम पे उन्होंने कहा गया, और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नारा था पिछड़ा संसो पाने बांधी का, पिछड़ा पावे सौ में सा। तो उस संस्कारों से मैंने जो जाति प्रथा के बारे में समझा, और मेरे जो आग्रह दुराग्रह हैं वो मेरे व्यक्तिगत नहीं हैं, वो एक विचारधारा के हैं, वो मैं आपके सामने एक प्रारंभिक उसके तौर पे रखना चाहता हूँ। और आज के बाकी आज के अध्यक्ष भी उन्होंने भी जीवन और समाज की, उन्होंने दोनों तरह की किताबों से भी बहुत पढ़ा है, और समाज की किताब से तो जो देश के शीर्षस्थ राजनेता हैं उसकी जमात में वो रहे हैं, तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, संगठन में काम किया है। तो आरिफ भाई अपना अंत में अध्यक्षीय वक्तव्य में वो बात कहेंगे। मोहन जी महाराष्ट्र के हैं, लेकिन महाराष्ट्र छोड़कर, और वो बोधगया संघर्ष और छात्र संघर्ष वाणी का जो बिहार का संघर्ष था जिसमें जाति एक बड़ा मुद्दा था, आप लोगों को ध्यान होगा कि जेपी आंदोलन में जो है शुरू का एक प्रोग्राम था जनेऊ तोड़ना, और स्टेशन पे वहाँ कई स्टेशनों पे सैकड़ों किलो जो है नौजवानों ने शुरू में अपने यज्ञों को भी जो जनेऊ हैं वो तोड़े, लेकिन बाद में आरएसएस का ऐसा दबाव हुआ कि उस धीरे से उस कार्यक्रम को मध्यम कर दिया गया। तो जाति के खिलाफ इस इतिहास के आधार पे वाहिनी ने वहाँ ग्रास रूट पे काम किया, और कैसे अंतिम आदमी को प्रथम ये मानसिकता अहिंसा मीन्स और एंड्स के साधनों को जोड़ के चलना, इस नज़रिए से जाति की क्या गत्यात्मकता है, क्या डायनेमिक्स है, इसके बारे में मोहन जी शुरू, क्योंकि वो बिहारी समाज के भी थे और बाहरी भी थे, तो इस तरह से वो ज़्यादा क्या कहें तटस्थ भाव से उस चीज़ के बारे में कह सकते हैं, इसलिए हमने इनको विशेष रूप से आग्रह किया है। और मेघालेखा में जो जनता ही सरकार है वाले लोग के बारे में आपने सुना होगा, कल वो उसके बारे में भी अपनी बात कहेंगे, जो गढ़चिरौली का आसपास का पूरा इलाका माओवादियों के असर में है उस को लेके कल 2 बजे से वो अपनी बात कहेंगे। अपने आज के जो तीसरे वक्ता हैं वो राकेश कुमार जी हैं, वो जैसा अनिल जी ने बताया जेंडर यात्रा जो कर रहे हैं उसके दौरान उनको कास्ट में के जो अनुभव हुए उसके बारे में वो अपनी, तो मोटे तौर पे ये ग्राउंड रियलिटी से के बारे में जो हम लोगों की समझ है उसके बारे में आज चर्चा होगी। और आज आप में से बहुत से लोग अलीमुद्दीन भाई हैं, सुंदरलाल जी हैं, तमाम लोग हैं जो इस सवाल पे लगातार सोचते रहे हैं, कुछ लोग लिखे भी हैं, तो आप सब लोग इसमें भागीदारी करेंगे एक तो ये अपेक्षा है। और ये पहली बैठक नहीं है, इससे पहले भी हम लोगों ने इस सिलसिले में बैठकें की हैं, और उसका एक छोटा सा उसी सिलसिले का एक संस्मरण जिससे जाति विनाश की राजनीति के बारे में उत्तराखंड के लोगों से आप बात कीजिए, पहाड़ के बारे में ये आमतौर से सच है, जैसे मुस्लिम समाज के बारे में भी सच है, आप बात करिए तो नहीं, हमारे यहाँ तो जाति है ही नहीं, तो
वैसे ही उत्तराखंडी पहाड़ी मित्र भी कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ जाति है नहीं। तो हमने पिछले 7-8 साल पहले प्रयोग किया कि दलित और गैर दलित लोगों से के साझे समाज जाति का हमारा अनुभव इस पे किए और पहली 2-3 बैठकों में बहुत ही तीखी बहस उसमें हुई। आइए प्रशांत जी, ये कुर्सी आपके लिए रखी है, लेकिन रिजर्व तो यही विक्रमा देते किसी। मूल ये थी माइक के करीब। तो उत्तराखंड में हमने जब संवाद किया जाति पे हमारा अनुभव, तो पहली 2-3 बैठकों में दलित बहुत तीखा बोलते थे और गैर दलित जो है वो डिनाई करते थे कि ये तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। और अंत में 2-3 बैठकों के बाद ये सर्वानुमति बनी कि जाति है, जाति प्रथा है, बहुत विद्रूप ढंग से है और ये अभी एक दूसरे पे दोष मढ़ने की बजाय एक समतामूलक लोकतांत्रिक और समावेशी सामाजिक संगठन बनाने के लिए, समाज बनाने के लिए ये साझी चुनौती है। ये दलित बनाम गैर दलित की लड़ाई नहीं है, ये उत्तराखंड के साथियों में अब उस पर एक वैचारिक वो भी हो सकता है। उसमें कुछ ही लोग आते थे जो अम्बेडकर जी से प्रेरणा लेके काम कर रहे थे, उसमें स्वतंत्र वाहिनी, कुछ XIPF, कुछ गांधीवादी संस्थाओं से जुड़े हुए नौजवान लोग जिनका भी कोई भी प्रशिक्षण नहीं था, तो उन्होंने इस बात को कबूल किया कि जाति हमारा साझा वो है। तो उनमें से फिर एक कार्यकर्ता हैं गोपाल राम, वो आज अपने वहाँ के कामों से आ नहीं सके, तो उन्होंने जाति वो उत्तराखंड की सबसे जो सामाजिक सीढ़ी परंपरा के हिसाब से मानी जाती है उससे नीचे सबसे जो माने जाते हैं परंपरा के अर्थों में हमारे आपकी नज़रों में, मैं नहीं कह रहा ढोलक या जाति के होते हैं, तो वो चमड़े का भी काम करते हैं और ढोलक वगैरह बनाने का भी और बजाने का भी काम करते हैं, तो उस जाति के हैं। उन्होंने 6-7 एसेज लिखे हैं, अनिल जी उसके बारे में सार रूप में अगर समय रहेगा तो बताएंगे। और मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दलित समाज में ऐसे बहुत से नौजवान पैदा हो रहे हैं, अपने सेल्फ टॉट अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं दिखता समतावादी, जो पूरे समाज के चिंताओं से, पूरे समाज के बारे में, उसकी समग्रता के बारे में वो समझते हैं और उस पीड़ा को महसूस करते हैं और पूरा समाज को कैसे आगे ले चलना है इसके बारे में वो बहुत सजग है। इसी संदर्भ में दूसरी बात जो इससे उल्टी बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से दलित समाज के लोग, खासकर वो जो आरक्षण और अपने राजनीतिक वोट राज के चलते जिनकी एक हैसियत बनी है, उनको बाबा साहब का ये नारा या राम मनोहर लोहिया का ये नारा कि जाति तोड़ों की राजनीति होनी चाहिए, उनका कहना ये है कि अब तो जाति जोड़ों से हमको सत्ता मिलती है, तो जब तक बनिए बामनों को सत्ता मिलती थी जाति से तब तक जाति ठीक थी, अब जब हमको मिलने लगी है तो आप जाति तोड़ों की बात करते हैं। तो जाति का जो सामूहिकता वाला भाव है, सामूहिक पहचान वाला भाव है, उसके बारे में सभी दलित एक स्वर से और जाति तोड़ों को एक अपना सामाजिक राजनीतिक लक्ष्य नहीं मानते हैं। और जो लोग मानते हैं वो मुखर हों, सम्मानित हों, लेकिन वो मास फॉलोइंग वाले नहीं हैं, चाहे दलित समाज से निकले हुए नेता हों, चाहे पिछड़े समाज से निकले हुए नेता हों, वो आम तौर से जो इलेक्टोरल ये फर्क अनिल जी से जब इसके आयोजन की अवधारणा में बात हो रही थी तो उन्होंने यही सुझाव दिया कि ये दोनों बातों को थोड़ा एनालिटिकली जब आप विश्लेषण करें तो अलग अलग ही देखना कहना होगा कि जब तक
सामान्य इंसान रहेंगे और देवता नहीं होंगे तब तक वोट राज की राजनीति में लोग जाति की पहचान का उपयोग करेंगे, वो फाउंडेड ढंग से करें, वो मतलब अपर कास्ट के दादागिरी को पुनर्स्थापित करने की राजनीति करें या दलित हितैषी होने की और बहुजन हितैषी होने की दिखाने की करें, या ये कोई ये अलग अलग संदर्भों में अलग अलग लोग अलग से करेंगे, पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो समझौतावाद है उससे जातिवाद, जाति की संस्था को खत्म करना, उसमें जो संस्था पर विषमता है उसको खत्म करना, उसमें भेदभाव का भाव खत्म करना, ऊंच नीच का भाव खत्म करना, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का लक्ष्य है। और सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति वाले लक्ष्यों के लक्ष्य रखने वालों के मन में अगर चुनावी राजनीति का लालच आएगा, उसमें सफलता का लालच आएगा, तो अभी के दौर में, ये सब समय के लिए कोई शाश्वत सत्य की बात नहीं है, अभी के दौर में जो आदर्शवाद का जितना माहौल है उसमें ये बात अव्यवहारिक लगती है कि वोट राज में अपनी सत्ता के लिए काम करने वाले संगठन और व्यक्ति वो जाति तोड़ो की राजनीति खुल के और ईमानदारी से करें, ये बात थोड़ी आदर्शवादी लगती है। ऐसे लोग हैं राजनीति में, रहेंगे, पर वो उतने ही रहेंगे जितने आटे में नमक, और उसको पर्याप्त, ये मैं सब अनिल जी की बात नहीं कह रहा, इनकी बात से मेरे मन में जो आई, तो हो सकता है वो जब कहेंगे अपनी बात तो ज़्यादा बेहतर ढंग से कहेंगे। तो आटे में नमक जो होता है वो पूरे आटे के स्वाद, रोटी के स्वाद की तासीर बदल देता है। तो खतरा ये है कि अभी आटे में नमक जितने भी लोग ऐसे हैं कि नहीं जो मुख्य धारा की राजनीति में हैं और जाति तोड़ों के पक्ष में, समता के पक्ष में, और जाति को, अभी के जातवाद को मानव जाति की ओर, वसुधैव कुटुंबकम की ओर, भारत की समतामूलक राष्ट्रीय नागरिकता वास्तविकता जो संविधान में सपना देखा गया है उसकी ओर ले जाने वाले लोग रहें, मुख्य धारा की राजनीति में रहें, तो फिर राजनीतिक कदम और सामाजिक सांस्कृतिक कदम आपस में उनका तालमेल संभव होगा। अगर ऐसे लोगों की संख्या कम होती है तो फिर ये संभव नहीं होगा, और हमारे जैसे समूहों को इस बात की सजगता रखनी होगी और ये अपने मन में ये लालच नहीं लाना होगा कि जो इलेक्टोरली कास्ट लीडर हैं या कास्टिज्म फैलाने वाले लीडर हैं उनके हम गुड बुक्स में रहें। ये इस लालच से बच के ही जाति तोड़ो की राजनीति की जा सकती है। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। हम लोग जिस स्कूल में ट्रेन हुए, लोहिया वाली राजनीति में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ सब लोग अलग अलग ढंग से ट्रेनिंग हुई है। आरिफ भाई जो है स्वतंत्र विचार के व्यक्ति रहे, हम लोग जब लोकदल बना था तो उसके युवा विंग के आप अध्यक्ष भी बने थे ना अभी पर, तो युवा राजनीति में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सिर्फ आप अध्यक्ष नहीं थे, आप पूरे देश की छात्र युवा राजनीति के और ये भी आंदोलन के समय एक बड़े संगठन और बड़ी पार्टी के बड़े युवा संगठन के आप अध्यक्ष थे, तो आपने इन सवालों को बहुत देखा है। तो उसी समय एसएसपी भी में भी इस तरह की वैचारिक बहसें बहुत होती थी, तो उस समय जो हमारा संस्कार था वो सिटीजन व्यक्ति, मतलब राज्य है तो उसमें मूल इकाई नागरिक है, अकेला व्यक्ति हो गया, बाजार है तो मूल इकाई उपभोक्ता है, तो ये जो सामूहिकता वाली बात है ये उसमें सोशलिस्ट अवधारणा में नहीं थी, और लगभग भाषा और मुहावरा अलग था, कम्युनिस्टों में भी ये नहीं है और लिबरल्स में भी ये नहीं है। लिबरल जो उदारपंथी डेमोक्रेट अपने को कहते हैं उनमें और कम्युनिस्टों में
सोशलिस्टों से फर्क ये है लोहियावादी समाजवादियों से कि लोहियावादी समाजवादी जाति की असलियत को पहचानते हैं, उसको उससे जूझना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य उनका भी जाति को खत्म करके व्यक्ति स्वतंत्र चेतना का चेतना से लैस व्यक्ति बना देना है। जबकि मेरी आज की समझ ये है कि ये लक्ष्य के तौर पे भी ये सही मतलब मैं इसको कम से कम मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा, मैं इसको अपना लक्ष्य नहीं मानता। जाति व्यवस्था का जो भेदभाव वाला विषमता वाला अपने को श्रेष्ठ मानने वाला ये सब जो पक्ष हैं ये तो जाने ही चाहिए। इस माने में जाति प्रथा का विनाश होना ही चाहिए और उसको वसुधैव कुटुंबकम से शॉर्ट कहीं भी आप रोकेंगे, चाहे राष्ट्रीयता पे रोकेंगे, तो उससे विद्रूपताएं फैलेंगी ही। अवधारणा के स्तर पे मानव मात्र की एकता और उससे आगे बढ़ के प्रकृति के साथ मानव की एकता, उससे कम पे रुकेंगे तो गांधी जी का जो कंसेंट्रिक सर्कल वाला समवर्ती पहचान वाला सिद्धांत है उसको जहां आप छोड़ेंगे वहीं वो विकृतियां पैदा होंगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन इसके साथ जो मुझे लगता है कि समाजवादी और लिबरल्स और कम्युनिस्ट और अधिकांश आधुनिक विचारधाराएं वो राज्य और व्यक्ति के बीच में सामूहिकताओं को लगभग अवैध मानती हैं, पिछड़ेपन का प्रतीक मानती हैं। मुझे लगता है कि ये बात अपने आप में सामयिक नहीं है, सम्यक नहीं है और इंसानी समाज में सामूहिकताएं होंगी ही। और हमारे पास अगर जाति की जाति प्रथा की जो विद्रूपताएं हैं उनके बारे में हम सजग ढंग से सामाजिक सशक्त सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन चला पाएं और राजनेता अपने लालचों को एक मर्यादा में रखें तो जाति प्रथा का भविष्य का रुख जो है वो नई सामूहिकताओं में होगा और राज्य और बाजार के बीच में भी, जिसको आजकल की सोशल साइंस की भाषा में सोशल कैपिटल कहते हैं, तो गरीब आदमी के पास सामूहिकता होना, एक सामूहिक संबल होना, आम लोगों का जो संबल है वो होना, वो रहेगा और वो अपने आप में किसी भी स्वस्थ समाज की पहचान है कि आप अपने परिवेश में एक सामूहिक समभाव से रहते हों। तो ये कुछ मोटे सवाल हैं जो मेरे मन में हैं और इसमें ये जो आखिरी मुद्दा है व्यक्ति सामूहिकता वाला, इसमें मुझे लगता है आज बाबा साहब अम्बेडकर का 125वां जन्मदिन है और मुझे लगता है कि आज जो जाति के बारे में चेतना है वो आइए उस चेतना में गांधी अम्बेडकर संवाद की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, बोने पैक्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज की जो तमाम बहसें हैं उन ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभावित हैं और मुझे लगता है कि लोहिया और अम्बेडकर के नाम पे जो अभी मुख्यधारा की राजनीति में जो लोग हैं, नायक लोग हैं, वो समता के प्रति कितना प्रतिबद्ध है इसके बारे में मेरे मन में बहुत बार शंका का भाव होता है और मुझे लगता है कि वो जाति की पहचान को और एक एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। जाति विनाश के कुछ अपवाद हैं, उनमें एक आध अपवाद आजकल महत्वपूर्ण सत्ता में है तो इसलिए ऐसा मान लिया जाएगा कि इसलिए मैं कह रहा हूँ तो इसलिए उनका नाम नहीं लूँगा मैं। जो बीच बीच में जाति का एटीएम कार्ड का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन बीच बीच में ऐसे अंतिम जन को गुंजाइश उनकी बढ़ानी है इस पर भी उनकी राजनीति में रहता है, पर कोई ये व्यक्तियों से बात करने नहीं वाली है, ये तो सामूहिक धर्म है। जिस नेता का नाम मेरे मन में है उनके साथ भी कोई संगठन नहीं है जो उनकी इस राजनीति को मानता हो और संगठन की जो उनकी अपनी समझ है वो भी इतनी समग्र और समावेशी नहीं है कि उससे जाति विनाश सत्ता में रहते हुए और जाति विनाश की राजनीति साथ कर सकें, ऐसा मुझे यथार्थवादी आकलन ये नहीं है मेरा। तो ये मैं चाहता हूँ कि
हमारी सबकी चर्चा का जो समापन है वो आरिफ भाई करें और प्रशांत जी यहाँ हैं। हमने इनसे लगभग जिद की हद तक जाके कहा था कि वो आज का बीज वक्तव्य वही दें, पर उन्होंने हमारे को इस काबिल नहीं समझा। मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आयोजकों की बात कर रहा हूँ। तो अब वो जब भी उन्होंने कहा था कि जब उनके मन में कुछ आएगा कहने का तो वो कहेंगे, तो हम बस यही उम्मीद करते हैं कि उनके मन में ज़रूर आएगा, वो भी अपनी बात कहेंगे। अध्यक्ष जी।